एंड अब जो क्वेश्चन है वो दसवां क्वेश्चन आपको पता है 5000 का, ठीक है। क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ उत्तराखंड बताओ, बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, पहले सुनो। So, hey guys, welcome back to another vlog and I hope आप सब से खुश होंगे and खुशहाल होंगे। So guys, ये जो video है मैंने आज की जो vlog होने वाला है, ठीक है, वो यानी कि मेरे जो previous जितने भी vlogs थे उससे तो कई गुना ज्यादा वखरा vlog होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये हमारे previous video कैसे कैसे होते थे, एक तो खाने वाला, दूसरा खेलने वाला, तीसरा हंसाने वाला, घूमने वाला, ठीक है। ये सारे लोग को साइड रखते यानी कि जो भी होता है हिंदी में मद्देनजर रखते हुए हमने डिसाइड किया था कि आज हम ऐसा व्लॉग बनाएंगे यानी कि कुछ अलग ही व्लॉग बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि होता नहीं अपना कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है, सबको पता ही होगा कौन बनेगा करोड़पति, हमने उसी का डुप्लीकेट वर्जन निकाला है, कौन बनेगा हजारों का पति, ठीक है। तो मना जब बनना पड़ जाते हो हजारों के पति को, बट दूसरा पति नहीं है, ये दूसरा पति है, आप गलत मत समझना कि पति पति वाला पति है, ये पति पति वाला पति नहीं है, ये पति वाला पति है, यानी कि ठीक है, यानी कि पति आपको बताते हैं पति वाला कौन सा पति है, ये है पति, ये वाला पति, तो देखियो ये वाली पैसा ही पैसा होगा, इसको कहते हैं कि हाँ दूर रहना चाहिए मोह माया से, ये वाला पति है, यानी कि आज की गेम इन पत्तियों के साथ खेली जाएगी, नहीं पत्तियों के साथ भी नहीं खेली जाएगी, मीन्स टू से ये पत्ती आज की गेम में बहुत खेले, तू तू जा खेले, मैं तुझे वही दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो गाइस यानी कि आज का गेम ना एकदम यानी कि हजारों में एक वाला गेम है, क्यों? क्योंकि आज का कुछ ज्यादा डिफरेंट व्लॉग होने जा रहा है, एंड इस गेम को यानी कि मेरा बनाने का मोटिव ये था कि आज इनकी जनरल नॉलेज टेस्ट की जाए, आज इनकी पढ़ाई टेस्ट की जाए, ठीक है, ठीक है। यानी कि गाइस आज यानी कि मैं गेम नहीं खेलूंगा, आज सिर्फ यही गेम खेलेंगे, एंड मैं बहुत खुश गुजार हूँ कि मुझे इस गेम से निकाल दिया गया, ठीक है। यानी कि आज जो मेरा कैमरा मैन है ना वो घर में नहीं है, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ही बना लेता हूँ, ठीक है, एंड आज इनकी जनरल नॉलेज टेस्ट करते हैं, एंड मैं पढ़ाकू बहुत हूँ गाइस, आप सबको पता है, ठीक है गाइस। एंड अब हम करते हैं इस गेम को स्टार्ट, ठीक है, एंड आपको आगे के चल के सबको बताएंगे कि हाँ कि इस गेम में क्या क्या होगा, ठीक है। आपको कुछ बोलना बक्स देते हैं, आज ये खेलेंगे गेम, ये जीत के जाएंगे मालो माल का टिकट, बट जरूरी नहीं है कि यही मालो माल का टिकट लेके जाएंगे, इसका यानी कि हजारों को पत्ती का टिकट लेके जाएंगे, ठीक है। ये टिकट मेरे बैंक अकाउंट में भी आ सकता है, ठीक है, अगर इन्होंने जवाब नहीं दिए तो ये मेरे बैंक अकाउंट में टिकट आ जाएगा, एंड आपको आपको आगे आगे चल के बताते हैं कि गेम है क्या, यानी कि इनको दिए जाएंगे 10 क्वेश्चन, ठीक है, वो मैंने पहले लिख के रख लिए, ठीक है, कौन से वो भी जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है, यानी कि जो यानी कि इन्होंने सुने भी है, इनको पता भी होगा, बट इनको मैंने बताया नहीं कि कौन से क्वेश्चन है, ठीक है, वो होंगे 10 क्वेश्चन, एंड इनको मैंने पैसों में डिवाइड किया हुआ, यानी कि जो 1 से 3 तक है ना क्वेश्चन, उसको यानी कि जो 1 से 3 तक जो यानी जो जवाब देंगे ना, यानी कि जो 1 से 3 तक क्वेश्चन होंगे ना, उनको मिलेंगे 50-50 रुपए, ठीक है, यानी जो आंसर देंगे उनको मिलेंगे, एंड जो होंगे 4 से लेकर 6 तक क्वेश्चन होंगे उनको मिलेंगे 100-100 रुपए, ठीक है, यानी कि उन सबको मिलेंगे यानी जो आंसर देंगे, ठीक है, एंड उसके बाद जो आएगा 7 to 9 उनको मिलेंगे 500-500 रुपए, ठीक है, एंड जो एंड वाला होगा वो तो आपको एंड में जब जाके हम बता ही देंगे कि उसको कितना प्राइस मिलेगा, बट अगर ये जवाब नहीं दे पाए उसका तो वो पैसा जाएगा मेरे खाते में। आपको पता है हम तो हर एक गेम में टाइम लेके आते रहते हैं, एंड इसमें भी टाइम है, यानी कि जब जिसको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसने उसे टाइम हैंड रेस किया उसको उसका टाइम उसी यानी कि उसी टाइम स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 30 सेकंड का टाइमर लगेगा उसी टाइम पे जब जिसने ऐसे कि सपोज करो मैं इसको क्वेश्चन दिया एंड इसे हैंड रेस कर दिया एंड उसी टाइम इसका टाइमर लग जाएगा 30 सेकंड का, एंड उसी 30 सेकंड के बीच बीच में इसको आंसर देना पड़ेगा, अगर नहीं देगा तो वो क्वेश्चन आगे पास आउट हो जाएगा, अगर इनको आता होगा तो,
ठीक है, अब हम करते हैं इस व्लॉग को स्टार्ट। एंड अगर आप इस व्लॉग पर नहीं हो तो गाइस इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड इस वीडियो को जितना हो सके उतना प्यार दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। एंड गाइस इतना प्यार ठोको कि हम ऐसे ऐसे गेम्स आपके लिए होल लेके आते रहे। ठीक है गाइस, एंड अब हम करते हैं, मैं अपनी विराजमान कैमरा मैन वाली सीट पर विराजमान हो जा रहा। गाइस अब इनका आता है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जनरल नॉलेज का फर्स्ट क्वेश्चन आता है। आपको दी जाएगी एक फोटो एंड आपको वो बताना है कि वो किस कंट्री का फ्लैग है। देखो गाइस आपको दिखा देते हैं, ये है ठीक है, एंड ये किस कंट्री का फ्लैग है ये बताइए। ये किस कंट्री का फ्लैग है? किसको आता है? Women. ये कनाडा का फ्लैग है। देखो सुई, देखो सुई। चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? इंग्लैंड का फ्लैग है क्या? क्या आप भी बोल दो। हाँ हो गया, टाइम स्टार्ट हो गया आपका, वो देखो घड़ी में चल रहा टाइम आपका। इटली का तो घड़ी में चल रहा टाइम आपका। इटली का ये सब क्या देखना पड़ रहा है? हार गए? हार गए? ओके वेट लेट मी शो यू इन द गूगल। देखो गाइस ये देखो लिखा है यहाँ पे जर्मनी फ्लैग, ये देखो जर्मन का फ्लैग, देखो जर्मन फ्लैग। नहीं उसका लोगो तो गायब किया था। लोगो था ही नहीं इसका, इसका होता नहीं लोगो, इसका लोगो होता ही नहीं है। ये देखो जर्मन का, यानी कि गाइस इनके पैसे मेरे खाते में जाते हैं। टाइम यानी कि इन्होंने अपना पूरी कोशिश की, एंड में आकर इनका कोशिश नाकामयाब होगी क्योंकि इनकी पहली बारी हो चुकी थी। ठीक है, यानी कि आप तीनों के पहले क्वेश्चन में होते 0-0 पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि आपके खाते में कोई पैसा नहीं जाता है। ठीक है, ठीक है, एंड अब जाता है सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम। ठीक है, नहीं नहीं उस पे क्वेश्चन ही है, आपने आंसर देना है। ठीक है, एंड जो सेकंड क्वेश्चन है आपकी टीवी स्क्रीन के सामने आता है, यानी कि मेरी टीवी की स्क्रीन के सामने आएगा। एंड गाइस ये देखिए, यानी आपको तो मैं वैसे शो करा दूंगा, ठीक है, आपको मैं बताता हूँ। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो है कैपिटल ऑफ आसाम, बताओ। मेघालय। मेघालय कहाँ से आ गया? एओ गाइस इनका टाइम, हमारे टाइम स्टार्ट है, तूने हाथ ऊपर कर दिया था। गलत गलत आसाम, कैपिटल ऑफ आसाम, मुझे याद आ गया गाइस। माने ये भी गलत, तीनों गलत हो गए यार, क्या कर रहे हो आप? गाइस आपके मैं नीचे ना वीडियो पे आंसर कर देता हूँ, आपका टाइम हो गया बस खत्म। ठीक है, कैपिटल ऑफ आसाम इज दिसपुर। तो इनके दो क्वेश्चन हो चुके समाप्त, ठीक है, उनमें से इनके सबके तीनों के पॉइंट है 0-0 एंड मेरे है 2 पॉइंट, क्योंकि दोनों का खाते में मुझे पैसे चले गए। ठीक है, एंड अब जो अपना अगला क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि जो अपना थर्ड क्वेश्चन है वो पहले आपको कैमरा स्क्रीन के ऊपर दिखा देते हैं। देखो गाइस थर्ड क्वेश्चन ये है, ठीक है, एंड अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो है फुल फॉर्म ऑफ GST, फुल फॉर्म ऑफ GST, फुल फॉर्म ऑफ GST, टाइम स्टार्ट नाउ। गवर्नमेंट सर्विस। गलत गलत। गवर्नमेंट टैक्स। गलत। GST 20 seconds. जर्नल स्टडीज। चलो गवर्नमेंट टैक्स सर्विस, ये तो रोल का सवाल है। ए टाइमर एंड्स, टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया। टीवी पे भी आता है तो यस
जीएसटी एक टैक्स है। हाँ तो वो तो पता टैक्स है, फुल फॉर्म क्या है? तूने पढ़ा नहीं है सिस्टम में यार? गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो गुड्स पे लगता टैक्स है, इतना नहीं पता? गुड्स 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 एंड सर्विसेज टैक्स, तो गवर्नमेंट कहाँ से आके, गवर्नमेंट गवर्नमेंट टैक्स है वो कोई? गुड्स के ऊपर जो टैक्स लगता है वो है टैक्स है वो। सौ रुपए का सवाल है, नहीं नहीं 50 का, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा सवाल 50 का कैसे हो गया? ओ पहले 3 50 के है ना। Okay. And, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव में, यानी कि जो है 100 रुपए का सवाल। जो अगले जो 3 गाइस सवाल होने जा रहे हैं वो है 100 रुपए के सवाल। एंड अब देखते हैं 100 रुपए कौन लेके जाता है। 50 इन्हें सस्ते सस्ते सवाल कोई लेके नहीं गया। एंड अब होता है अपना फोर्थ क्वेश्चन शुरू। ठीक है, बोला था मैं 3 बारी। अपना क्वेश्चन ये है, बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया। अच्छा सभी का नहीं है ना? बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया, टाइम स्टार्ट नाउ, बताओ। दिल्ली गलत। दिल्ली गलत। राजस्थान गलत। हाँ ठीक है, बट इसने 2 बार नहीं बोला, एक बार ही बोला था। टाइम तो ऐसा ही है यार, बोला था टाइम। स्टेट स्टेट ऑफ इंडिया। ऐसे ही इन्होंने 2 बार बोला है, पैसे मिलने से। ये इन्होंने बोला सभी का टाइम है, तो हम कितनी बार भी आज जितनी मर्जी बोल दो। ठीक है, मुझे 100 रुपए लाओ मेरे खाते में। पक्की कर ले, देख लो। देखो गाइस, बिगेस्ट स्टेट इन राजस्थान, सॉरी राजस्थान इन इंडिया, राजस्थान। आमना ने 15 सेकंड में कर लिया है, यानी कि आमना ही जीती है। ठीक है, यानी कि ये चौथे क्वेश्चन पे आके 100 रुपया जीत चुकी है। एंड आमना अब तुम्हारे खाते में जाते हैं 100 रुपया। ये देखो गैस, मेरे पास पैसे पैसे हैं, ये देखो पूरे पैसे पैसे हैं। एंड अब ये जाते हैं, हम ऑनर करते हैं आमना को पैसे। आ जाओ ऊपर आओ, आपने इतना अच्छा सवाल जवाब दिया। आप हमारी वीडियो बनाओ, आप हमारी वीडियो बनाओ। रुको, आपको कुछ बताइए, आप जीत चुके हो, दूसरे बारी आके फिर भी चिड़ी खिलाई जाएगी। तुमने 100 रुपया जीता है, फिर भी चिड़ी खिलाई जाएगी, दो बारी बोल के उसके खाते में 100 रुपया जाता। ओ बाद में ये पैसे मम्मा के खाते में जा रहे, टेंशन ना ले, तो ही खा ले। चलो, यानी कि आमना एक पहली लोटी विनर है, जो पहली बार जीत चुकी है। अगला क्वेश्चन आरंभ। ठीक है, तो अपना अगला क्वेश्चन हमारे टीवी स्क्रीन के सामने आ जाता है। जो 5वां क्वेश्चन है वो है कि फुल फॉर्म ऑफ न्यूज। रुको, फुल फॉर्म ऑफ न्यूज, टाइमर पे आपको बुलाएंगे, टाइम स्टार्ट नाउ। न्यूज की फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। सही, स्टार्ट करो। सही है, सही है। ओ भाई साहब, यस हां यही है। ये इसको कहते हैं जो पहली बार में आंसर देते हैं। हाँ हाँ, अब गाइस इनके खाते में जाता है 100 रुपया एक और। एंड हम ना यहाँ पे आके वीडियो बनाओ, हम ऑनर करना है। कैमरा पकड़ो, आपको 100 रुपया मिल जाना है। बाल खोले जा रहे हैं इनका। एंड हमें बड़ी खुशी मिल रही है कि हाँ, कि हमारे मम्मा जीत पाए हैं ये पैसे को। एंड इन्होंने पहली बार से दिया, चीटिंग नहीं की हमने, जैसे हमने दूसरी तीसरी बार भी किया था। ठीक है, एंड मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इनको पैसे मिल चुके हैं, बट अभी भी चाची के खाते में 0 रुपए हैं। चाची कब अपना खाता खोलेगी? कब चाची आप अपना खाता खोलोगे? 5वां क्वेश्चन हो चुका है, यानी कि दोनों के अपने पास जाते 100 रुपए, यानी कि जो अपने अगले के क्वेश्चन है वो थोड़े इजी वे लग रहे हैं, इनके लिए इजी है। ठीक है, एंड अब जो अपना अगला क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन,
वो मेरे हिसाब से आपको चाची आपको भी आता होगा, मम्मा को भी आता होगा, आमना को मुझे कोई उम्मीद नहीं है आमना को आता होगा क्योंकि आमना की शक्ल ही ऐसी है। अगला क्वेश्चन अब हमारे टीवी स्क्रीन के सामने, यानी कि गाइस आपकी टीवी स्क्रीन के सामने आ चुका है एंड आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मम्मा नोज, मम्मा नोज, मम्मा को पता है बट मम्मा बोल नहीं पा रही है, मम्मा को पता है। अच्छी आपको पता हो सकता है, इंदिरा गांधी पता हो सकता है, इंदिरा गांधी पहुंच गई है। बोला बाबा दे दे दो। टाइम अप, 30 seconds हो चुके हैं। गांधी अब जाके याद आ रहा है इसको। गाइस बी आर अंबेडकर, देखा मुझे उम्मीद नहीं थी वह ये बोल पाएगी बट इसने टाइम के बाद बोला, मुझे कोई वो पैसे भी मेरे खाते में जाते हैं। अब अपना अगला क्वेश्चन है 500 रुपए का, ठीक है, यानी कि 7 से लेकर 9 तक जो क्वेश्चन होंगे वो अपने 500-500 रुपए के होंगे एंड अब देखते हैं गाइस कौन इस यानी कि क्वेश्चन को कर पाता है, जीत पाता है, यानी कि पैसों को जीत पाता है, ठीक है। एंड अब आपका है 7th क्वेश्चन आपकी टीवी स्क्रीन से ऊपर गाइस एंड आपको मैं बताता हूँ हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, आई माउंट एवरेस्ट, यू आर रॉन्ग, टाइम अप, टाइम है, टाइम अप, नहीं गलत है, टाइम शुरू हो चुका है, नील गलत है, हिमालय गलत है, हिमालय की नहीं हो, ये ठीक आ गया, हाईएस्ट पीक चाहिए ना, गाइस माउंट एवरेस्ट है, गलत है, कंचनजंगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गाइस सिद्धार्थ कह रहा था मम्मा के दिमाग में एक बार स्ट्राइक हो गया तो मम्मा ले जाएगी इसको, क्योंकि हाईएस्ट जो एमटी एवरेस्ट है ना वो वर्ल्ड की है, वो वर्ल्ड की एमटी एवरेस्ट है, वो जो कंचनजंगा वो इंडिया की है। हाँ मैं तीनों की क्वेश्चन बोला हाईएस्ट, तू पहले पहले हाथ हाथ ऊपर क्यों करती, मैं 3 बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ उसी कारण कर रहा हूँ। 18 सेकंड में आपने कर लिया था, ठीक है, यानी कि ये 500 रुपया, ये 500 रुपया हो जाता है मम्मा के खाते में। आमना आओ, आमना आमना कैमरा पकड़ो, आजा आजा, चलो कोई बात नहीं, इन्होंने भी गैस ही किया, अब मैं बोलूंगा, चलो आप ये भी तुक्का है बोलो, माने टाइम पे बीच में बोल दिया, अगर टाइम के बाद बोलते तो आउट। एंड गाइस अगर आपको भी सारे सवाल पता है तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताओ ना, हाँ तो गाइस अब जो अपना अगला क्वेश्चन है वो भी 500 रुपए का ही है, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन ये यानी कि याद कर रहे थे, करने वाले थे बट मैंने को हटा दिया था, ठीक है। एंड अब इस क्वेश्चन यानी कि आपकी टीवी स्क्रीन से गाइस आप यानी कि जो 8th क्वेश्चन है वो आपकी टीवी स्क्रीन के सामने आता है गाइस एंड अब आपको मैं बताता हूँ कि हाँ क्वेश्चन क्या है। हु रोट द वंदे मातरम, पहले पूरे सुन ले, हु रोट द वंदे मातरम, ठीक है, हु रोट द वंदे मातरम, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गेट लॉस्ट, क्या बात है, हु रोट द वंदे मातरम,
भगत सिंह क्या बोला तूने? भगत सिंह खत्म। ये तो मुझे पता नहीं तुम फंसने आप लोग। नहीं नहीं बंदे मत। टाइम अप। 30 सेकंड्स गाइस। सही है आपका चाची। चाची सही है आपका। वाह आपका सही है। क्या 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 बोलने का लगा थे? चंद्रबोस ही तो नाम। क्या 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 एक बार बोलो सही एक बार ऐसे बोलो। चंद्रलाल नेहरू। नहीं 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 बताओ। चटर्जी कुछ ऐसे। हाँ सही था। नहीं बंकिम चटर चटर्जी चंदर चटर्जी बंकिम चंदर चटर्जी। वो पति वहां से थोड़ा लिखा था उसने। उसने लिखा था जने जनगण लिखा था और एक और लिखा था उसने ओ वाला ओ दूसरा कौन सा एक गाना है मेरा ओ क्या वो ओ पता चल गया। बस जो मम्मा है वो बहुत सारे पैसे मालोमाल हो पड़े हैं यानी कि जो हजारों की पति बन चुके हैं। तो यानी कि आठवां क्वेश्चन भी हफ्ता है अपना खत्म एंड अपना जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट ठीक है एंड ये क्वेश्चन जो है मे बी हाँ ये भी 500 वाला ठीक है एंड ये क्वेश्चन मे बी आप सबको आता होगा मेरे हिसाब से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बट अब देखते हैं आपकी जनरल नॉलेज। आप गाइस आपकी टीवी स्क्रीन के सामने आपको क्वेश्चन आ गया होगा ठीक है एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि वो क्वेश्चन क्या है। वर्ल्ड लार्जेस्ट बर्ड। वर्ल्ड लार्जेस्ट बर्ड। वर्ल्ड लार्जेस्ट बर्ड। ईगल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यू आर रॉन्ग। यू आर रॉन्ग। मैंने क्या बोला था जिसका हाथ जो टाइम पे ऊपर होगा वो बोला था। चाची चाची बताओ वीडियो में देख ले। मैंने वीडियो में गैस क्या बोला था यानी कि जो सबसे पहले हाथ ऊपर करेगा उसके बाद जिसने हाथ ऊपर किया उसको मारी जाएगी। वो बोला तूने ईगल बोला मेरे को गलत ऑस्ट्रिच तूने उसके बाद बोला ऑस्ट्रिच। ओ यार मैंने बोला तेरी बारी नहीं आई है उनकी बारी थी उनकी बारी थी मम्मा की बारी थी तुझे इतना नहीं समझ आ रहा मैंने क्या बोला पहली वीडियो में स्टार्टिंग में क्या बोला इसको तूने बोला मैंने पहले कैमरा में बोल दिया था जैसे कि जिसकी बारी पहले आएगी ठीक है उसको पहले बारी मिल जाएगी तीन तीन बार ईगल ईगल बोला हमने वीडियो देखी ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि इसे तीन बार ईगल बोल दिया है उसके बाद मम्मा की बारी आती है ना कितनी बारी चांसेस देंगे एक बार चांस मिलना था वैसे इसे तीन तीन बार ईगल ईगल बोला वहां पर मम्मा ने मम्मा की बारी आनी थी क्योंकि मम्मा ने सेकंड अपना हाथ ऊपर किया था तो मम्मा ने ऑस्ट्रिच बोल दिया तो मम्मा के हाथों में पहन सिंपल सी बात है। पर गाइस मैंने पहले बोला हाँ तो जीत गई मम्मा पैसे जीत गए। हाँ पैसे देते हैं देखो गाइस ए ऐसे करती गाइस हमेशा हमेशा चलो चाची आप बना दो कोई कोई बात नहीं आप ये 500 रुपया एन ए 100 रुपया एन ए खुद 500 रुपया आपको कैसा लग रहा है इतने पैसा पैसे जीत के मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा 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 एक मैं आमना की शक्ल देखूँ रोने वाली होगी है रोने वाली गाइस जो इसकी फ्रेंड्स है वो अगर वीडियो देख रही होगी इसकी शक्ल देखो देखो कितनी चीटिंग आती है आपको पता ही है पहले बोला हाँ तूने पहले बोला तूने आंसर पहले बोल दिया पैसे उनके खाते में बस ठीक है खुश जी तू ही रही है सारे से तू ही रही है। अब आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है जो दसवां क्वेश्चन है उस पे है 5000।
गाइस यानी कि जो 10 वाला क्वेश्चन है उस पे मिलेगा कि कोई आंसर देगा उसको मिलेगा 5000, बट इसमें एक एक वो है यानी कि ट्विस्ट है कि इसमें आपको सिर्फ एक ही टर्न मिलेगी, ओनली वन टर्न एंड यू विल गेट ओनली वन मिनट। इसमें टाइम बता दिया है एंड इसमें आपको मिलेंगे सिर्फ एक टर्न, आप तीनों को मिलेगी चांस, तीनों को मिलेगा, टाइम एक ही लगेगा, एक मिनट, और किसी ने टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब जो क्वेश्चन है वो 10वां क्वेश्चन आपको पता है 5000 का, ठीक है। एंड अब देखते हैं ये जैकपॉट कौन जीत पाता है, क्योंकि एक मिनट आपको मिलेगा, आपको सोचने के लिए एक मिनट मिलेगा एंड ये टाइमर के बाद ही हाथ हाथ हूथ ऊपर करना, ठीक है, टाइमर के बाद हाथ हूथ ऊपर करना, हाँ ठीक है। एंड अब मैं आपको देता हूँ गाइस, आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर तो क्वेश्चन आ गया होगा कि क्या है क्वेश्चन, एंड अब मैं आपको बताता हूँ विच इंसेक्ट हैज कलरफुल विंग्स, Which insect has colorful wings? Time starts now. पहले मम्मा आपने किया था जीत के, ये मेरे को भी आता था butterfly. अब सबको आता था ओ ऐसे नहीं ऐसे नहीं तुम्हें, नहीं ऐसे नहीं बात बनेगी। ओ यार जो पैसे बचे हैं वो मैं तुम्हें 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 दूंगा, चल रखो इसे। नो यार ये हमें भी पता था बटरफ्लाई है। ले हाउ बटरफ्लाई कैसे बता ना, हैं बटरफ्लाई गाइस एक ही कलर की होती है प्रॉपर। व्हिच इंसेक्ट हैज अ कलरफुल विंग्स फॉर बटरफ्लाई, यार ऐसे तो किसी के पास कलरफुल विंग्स हो जाए कलर के कबूतर की इंसेक्ट बोला इसने, इंसेक्ट तो मैं बोला इंसेक्ट तो मैं बोला इंसेक्ट होता है। चलो यार एक और क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ उत्तराखंड बताओ, बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ, पहले करो कैपिटल ऑफ उत्तराखंड जल्दी बताओ, लास्ट है ये, जल्दी 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 टाइम चल रहा है। उत्तराखंड क्या है? गलत है। 30 गलत है। पांच हजार ती 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 30 सेकंड तो हो गए हैं, 30 सेकंड तो हो गए हैं, अब ती ती गलत है। 5 4 3 2 1 टाइम अप, गलत है। अभी मैं आपको बताऊंगा ना आपके दिमाग में रड़क ही रहा होगा ये चीज, आप अब आपने अब इतने सारे आंसर दिए एक भी आंसर नहीं दिया आपने, यानी कि आपको तब भी नहीं आया देहरादून, देहरादून। अब ये पैसे किसके खाते में जाएंगे? आप गाइस मैंने बीइंग बोला था, तुमने नहीं बोला, मैं क्या बीइंग बोल उससे, नहीं यार ऐसे पूछो, रुको रुको रुको। अब गाइस ये मैं इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, इनके बहुत ज्यादा एफर्ट दे के हमने, चलो वीडियो 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 बनाओ, जरा आओ वीडियो बनाओ, हाँ हाँ तुम्हें करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, चलो चलो चलो। हाँ ये 5000 है ना, 5000 ये लो आपको 1000, ये गाइस इनको हमने 1000 दे दिया है। अच्छी ये आपको 1000, खुश हो 1000 जीत गए, ठीक है। एंड आमना अब आपकी बारी है, आपको मैं देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? चीटर है ना, ये मैंने ऑस्ट्रिच भी बोला, डॉक्टर भी आर अंबेडकर भी बोला, ठीक है। एंड अब ये जो 500 बचते हैं ये सारे एक एक करके ले लो, ठीक है, यानी कि 1500 सबको डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक है, 1500 आ चुका है, जो वहाँ पे साइड में पैसे पड़े थे वो भी आपको मिल चुके हैं, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, ठीक है। देखो गाइस इनको 1500 मिल गए, यानी कि इनकी आपके आपके कितने टोटल? मेरे टोटल हो गए 2600, इनके है 2600, ठीक है, एंड आपके हैं 1500, एंड आपके कितने हैं? 1600। आपके पास कितने हैं? 1600, यानी कि यहाँ पे है 2600, एंड यहाँ पे है 1500, एंड यहाँ पे है 1600। यानी कि गाइस जो बाकी के पैसे हैं वो मेरे हैं, जो बाकी के पैसे बचे हैं वो मेरे हैं, यानी कि गाइस इन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट किया, तब जाके मैंने सोचा इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 1500 1500 1500, ठीक है। एंड मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि इन्होंने अपना पूरा एफर्ट किया, एंड आपको कैसा लग रहा है इतने पैसे जीत के? हाँ तो आपको कैसा लग रहा है, आप जीत गए ना? हाँ। पैसे पैसे तो जीत गए ना आप, पैसे
ठीक है, अब मुझे मुझे इसके पैसों के खिलाफ लो देना। एंड आपको कैसा लग रहा है, आप सबसे ज्यादा जीते हो पैसे? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैंने सारे क्वेश्चन सही दिए। हाँ जी, बस वैसे मुझे और भी क्वेश्चन सही आते थे मगर टाइम टाइम अप हो गया है ना। मुझे भी आपने तो बस एक लास्ट वाला क्वेश्चन दिया। मैंने एक लास्ट क्वेश्चन दिया था, मैं जैक पॉट का जीत गई थी 5,000 रुपया, मगर इन्होंने मेरे को ना तो कौशल पैसे मिल गए ना आपको, ये बस आपको पैसे चाहिए थे ना, मिल तो गए ना पैसे, बस ठीक है। सबको क्वेश्चन आते थे, इन्होंने सीधा लास्ट वाला 5,000 बोला। हाँ तो चलो, कुछ नहीं होता, सबने अपना अपना एफर्ट पूरा किया, तो गाइस इनके लिए एक लाइक तो बनता है। एंड गाइस अब गाइस अब हम करते हैं इस वीडियो को एंड, बट एंड करने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं, ठीक है, ये तो अभी पार्ट वन आया, अब इसका अगर आप चाहते हो कि पार्ट टू भी आए, ठीक है गाइस, उसमें भी हम ऐसे एक्साइटिंग प्राइजेस थोड़े ज्यादा सरप्राइजेस रखेंगे, ठीक है, तो अगर आप चाहते हो वो वाला पार्ट आए तो गाइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना प्यार दीजिए, ठीक है, तो हम इसका पार्ट टू भी ले आएंगे, उसमें मैं भी आऊंगा, ठीक है, मैं भी क्विज में आऊंगा इनके साथ, ठीक है। एंड अब गाइस इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे ही एंड, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को जितना हो सके उतना प्यार अपना प्यार दीजिए। एंड गाइस अब आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।